हाय एवरीवन। तो अभी हम लोग हैं मयूर विहार फेस वन। यहाँ इस साइड हमारा तो इस साइड जमुना है और इस साइड रोड है, आप देख सकते हो। अभी स्कूटी चला रही है महाशय। हाउएवर आज इसका लेग्स डे था, पे अत्याचार किया जा रहा है स्कूटी वाला। किस चीज की लाइन है ये? यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है लोगों को, आप देख सकते हो क्यू कितनी लंबी है यहाँ पे। My name is Praveen and I am from Plan India. Okay. I am employee of Plan India. So okay. We are distributing ration kit to the people who are residing at the under this pool. Okay. So firstly हम लोगों ने इसका rapid need assessment किया था Plan India की तरफ से। यहाँ पे कितने परिवार हैं? कितने परिवार हैं total? यहाँ पे आबादी देखो तो आप करीब करीब 60,000 की आबादी है। 60,000 people are over here. 7,000, I'm sorry. Please correct, 7,000. अच्छा, यहाँ पे डेली राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जब से फ्लड आया है? राशन यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। कुछ लोग गुरुद्वारे से आए हैं, वो लोग रोज यहाँ पे खाना बांट रहे हैं। गवर्नमेंट की साइड से क्या हो रहा है? इन लोगों को दोनों टाइम खाना वहाँ पे जो लगाया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, और पानी के टैंकर, ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट जन सुविधाएं, जैसे वॉशरूम? तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे एक वॉशरूम लगाया हुआ है, ऊपर रखा है चीजों को। ऐसा तो नहीं कोई राशन जो है कम हो जाता हो किसी टाइम, मतलब? आई डोंट थिंक सो ऐसा होता होगा, क्योंकि एनजीओ भी काम कर रही है। हम लोग एनजीओ से अभी 600 परिवारों को हम ही प्लान इंडिया की तरफ से यहाँ डोनेट कर रहे हैं। टोकन सिस्टम से यहाँ पर लोगों को राशन दे रहे हैं, सो दैट की हडल ना हो और भीड़ ना हो और लोग चोट ना खाएं। एक सेपरेट जगह पे दे रहे हैं ताकि ट्रैफिकिंग से लोग बचें या ट्रैफिक के अंदर चोट ना खाएं। क्या है मतलब, पका हुआ मील है या फिर अभी? पका हुआ मील इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस समय पानी भरा हुआ है, और हाइजीन का हम लोग ख्याल रखते हुए हम लोगों ने जो भी किट में इंग्रीडियंट दिया है कि बिकॉज दे डेली नीड का चीज दिया है। इसमें हम लोगों ने बिस्किट्स दिए हैं और गुड़ दिया है जो कि ये वैसे खा सकते हैं। साथ हम लोगों ने इनको ग्लूकोज के पैकेट थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में दिया है ताकि इनके जो छोटे बच्चे हैं और ये लोग जो हैं ये डेली बेसिस में उसको खा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू, थैंक यू। अभी हम मई विहार फेस वन के फ्लाईओवर पे थे, अभी हम थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं अक्षरधाम की तरफ। अभी हम लोग सर्विस लाइन से बाहर है, मेन हाईवे पे है, तो सर्विस लाइन से अगर हम जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कितना फ्लड है और क्या कंडीशंस है इस टाइम पे। तो अभी हम लोग सर्विस लेन में आ गए, यहाँ पे आप देख लो कि किस तरीके से लोग रह रहे हैं। हेलो अंकल, कैसे हो आप? अच्छे हो? आप यहाँ कब से रह रहे हो? हो गए दो साल। नहीं, दो साल यहाँ पे रहे हुए सर्विस लेन में, कब से रह रहे हो? हाँ तो भाई ऐसे हो गए जब दो साल हो। नहीं, इधर इधर सड़क पे कब से रह रहे हो आप? अंदर रह रहे थे ना? हाँ, यहाँ तो जब पानी आया, कौन से तारीख वहाँ आए ये नहीं पता मुझे, पानी आया जब से मैं यहाँ रहता हूँ। खाने पीने की सुविधा अच्छी मिल रही है? हाँ, पानी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है। आपको पहले ही देख के चलानी चाहिए ना स्कूटी, आप कभी इधर लेके जा रहे हो। यार आप ड्राइवर ऐसे मत करो, आपकी चक्कर में दर्शकों को परेशानी होगी। वरना अरे अरे अरे, वैसे तुम जितना दिखा सके उतना कम है, क्यों? शिट यार, अभी जैसे कल की बात थी जब मैं यहाँ आई थी, सच में थोड़ा आप रोकोगे? एंड कंडीशन देख रहे हो यार आप लोग, शिट यार, ये अभी का हाल है। कल अभी हफ्ता या 10 दिन पहले ही मैं यहाँ पे आई थी इधर, ये पूरा पुल आप देख रहे हो, पूरा पुल कवर हो गया पानी से, कितना पानी बचा है बस। उधर देखो वहां पे, जूम कर लेते थोड़ा सा और, शिट यार, ये घर है किसी का पूरी तरीके से डूब चुका है। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कावड़ का टाइम चल रहा है, पहले ही बहुत ज्यादा रश है और कुछ ट्रैफिक है, ये हाईवे है तो लोगों का आना जाना तो यहाँ पे लगा ही रहता है। लेकिन जो ये बाढ़ पीड़ित लोग हैं या फार्मर्स कह सकते हैं, मैंने इनकी पूरी खेती तो बर्बाद हो ही चुकी है, और साथ ही में ये जो रोडों पे आ गए हैं इसकी वजह से जो नॉर्मल कॉमन पब्लिक को इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है वो भी हम देख सकते हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम है, ट्रैफिक की बहुत गंदी हालत है। मैं तो ये बोलूंगी जो अक्षरधाम से जाने वाले लोग हैं वो इस रूट को इग्नोर ही करें अभी कुछ दिन के लिए। आप देख रहे हैं गाइस आकृति ब्लॉगिंग, जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर करके सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ब्लॉग्स बना रही है। गाइस कीप सपोर्टिंग गाइस। यार ये देख के कभी कभी लगता है ना हाउ लकी वी आर। यस, इंसान जो है हमेशा मतलब उन चीजों के लिए फाइट करता रहता है जो उसे नहीं मिलती है, और जो चीज उसके पास होती है ना उसको उन चीजों के बारे में पता ही नहीं होता। लाइक कि हम अभी इतनी
अच्छे से रह रहे हैं, मॉनसून का मजा ले रहे हैं, बारिश की विश कर रहे हैं, बट इन लोगों को कितना सर्वाइव करना पड़ रहा है यहाँ पे आके पता चला। हाउएवर इन्हें सारी फैसिलिटीज दी जा रही है, स्टिल यार उनका घर उजड़ गया, स्टिल उनकी हैप्पीनेस देखो, नहा रहे हैं, दे आर लाइक कर रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो छोटी छोटी खुशियों में भी खुश हो जाते हैं, ठीक है घर चला गया है, पैसे वो हो गए हैं, खेती खराब हो गई है, बट स्टिल दे आर हैप्पी। भाई यहाँ पे कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, लिटरली मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आप तक क्या पहुँचाऊँ या क्या ही बताऊँ कंडीशंस। आप क्लियरली देख सकते हो कितना बुरा हाल यहाँ पे हो गया है इस टाइम पे लोगों का। रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हो सकता है तो इन लोगों को हेल्प करो, ना केवल खाने पीने के लिए बल्कि दे ऑल्सो नीड सम इमोशनल सपोर्ट, वो बहुत जरूरी है। क्या हालत है यार लोगों की, मुझे पकड़ने नहीं आ रहे, एक्सक्यूज मी। हाँ अच्छा खड़े नहीं होना है, केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली जिलों का शहर होगा और 380 जिले नहीं, पूरा का पूरा समंदर बन चुका है दिल्ली। यार हम लोग सोच रहे थे ये भाई भी यमुना बैंक, वो कुत्ता आ रहा पीछे, चल 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 घुमा ले घुमा ले, रुक जा रुक जा। अरे क्या क्या सामान था उसमें, उसमें क्या है, सारा सामान है, बक्स वगैरह है, कपड़े लेते वगैरह सब चीज है, उसी में क्या है, क्या है? सामान आने चाहिए और क्या है, सुविधा से क्या हो रहा है, सामान वहाँ पड़ा है, क्या है, पहने ओढ़ने की भी तो कपड़े नहीं है, पहरे ओढ़ने हाए तो क्या पहले, यही खाली पहन के आए बस, बताओ 4 दिन तो हो गए यही कपड़े पहने रहेंगे क्या। एकदम पानी आ गया, पानी तो धीरे धीरे बढ़ा है ना ऊपर, धीरे क्या बढ़ा है, 2 दिन बारिश हुई उसमें पानी, तीसरे दिन आ गया पानी, तो क्या करे, सामान कहाँ से निकाल पाए, एकदम से आया था, एकदम से आ गया। फिर आप लोग वहाँ से भागे और सामान नहीं ले पाए सारा, नहीं कपड़े पहने यही पहने, तो आपका सारा सामान डूब गया वहाँ पे, और सारा डूब गया। जैसे कीमती क्या क्या है आपका उसमें, सोने चांदी की भी चीजें थी, क्या क्यों इतने साल ऐसे रह रहे तो क्या करे, रखेंगे तो अपने वहीं पे और कहाँ रखेंगे, इतना पता होगा इतना पानी आ जाएगा, हमें बड़ा अफसोस है आपके लिए, माफी। ओ भाई कितनी भीड़ है, ये एक वैन आई है अभी जिसपे सब लोग जा रहे हैं लाइन लगा के खाने के लिए, क्या हाल हुआ भाई यार, तो भाई बहुत से लोगों से बात कर रही है, लोग सच में बहुत ज्यादा दिक्कत में है, हालत बहुत ज्यादा मतलब कि खराब हो गई है, इतने ज्यादा कंडीशन खराब है लोगों की, मतलब कि एक खाना पीना राशन तो मिल ही रहा है, लेकिन जो छोटा छोटा अपना करके अपनी बेटी की शादी के लिए या अपने जीवन को आगे जीने के लिए जो लोगों ने इकट्ठा किया था वो सब वहीं पीछे कहीं छूट गया है। और ये बता रहे हैं कि एकदम से पानी छूटा और एकदम से गड्ढों से बाहर निकल के इनके घरों में पानी घुस गया, इन्हें इतना भी टाइम नहीं मिला कि ये सामान को अपना सारा समेट पाए, जो कपड़े पहने थे वही कपड़े पहन के आए हैं और उन्हीं कपड़ों में रह रहे हैं अभी, लोगों से भी कुछ हो सके तो यहाँ पे आके प्लीज इनकी हेल्प करो। ये मई विहार के पास में यमुना रिवर के पास है ना, ये यमुना बैंक की पूरी लेन है, पूरी लेन है, आपको दिख जाएगी अगर इनके साथ यहाँ आते हो, बहुत बुरा हाल है सर। ओके थैंक यू, ओके थैंक यू।